इंदौर के AICTSL कार्यालय पर मास्टर प्लान समीक्षा को लेकर बैठक रखी गई, जो कि लंबे समय के बाद हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई, फैसले लिए गए, जैसे 1400 एकड़ के निर्माण वैध किए जाएंगे जो ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़े गए थे, और साथ ही मेट्रो का लोन पास हो चुका है जिसका कार्य भी अतिशीघ्र ही शुरू किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से महापौर मालिनी गौड़, कमिश्नर राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर निशांत वड़वड़े और शंकर लालवानी मौजूद थे। एक सामर विधानसभा से जुड़ा हुआ विषय था, रिंग रोड से हम जो निरंजनपुर के लिए आते हैं जहाँ रिंग रोड का समापन होता है, उस जगह से सीधा एक कनेक्टिविटी रोड जो हमारे 11 को मिलाने का है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। क्योंकि अभी जो प्रस्ताव मास्टर प्लान में है वो नेपालिया और पिपला कुमार की जो संयुक्त पकड़ है। कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाकर और इस पर कुछ चीज़ों पर प्रोविजन करने की बात करके शासन को पहुंचाने के लिए वो साधुवाद के बात में, पर जो मास्टर प्लान के हालात थे और आईडीए हो, मास्टर प्लान का विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, सारी चीज़ों पर अंधकार जैसी बातें होती रही। आप ये देखो कि इंदौर शहर में मेट्रो की बात करती है सरकार और मास्टर प्लान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। आप देखो कि सीवरेज को लेकर और पानी को सफाई को लेकर, नाला सफाई को लेकर बहुत बातें हुई, पर बिलावली तालाब में आज भी गंदा पानी जाता है।